बड़ी खबर सामने आ रही है। सुपौल में निजी हॉस्टल के छात्र का अपहरण कर लिया गया है। नकाबपोश अपहरणकर्ताओं ने किया अपहरण। अपहृत छात्र को खेत में छोड़कर भागे अपराधी। मामले में त्रिवेणीगंज में थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। परिजनों ने स्कूल के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुपौल में निजी हॉस्टल के छात्र का पहले अपहरण कर लिया गया। नकाबपोश अपहरणकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद अपहृत छात्र को खेत में ही छोड़कर अपराधी भाग गए। मामले में त्रिवेणीगंज में थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। परिजनों ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीछे से मोमोले को गाड़ी पे भाग गया, पटवा में छोड़ दिया। कौन था? देखा है उसको? जानता है? हाँ। क्या नाम है उसका? सूरज। कौन हॉस्टल में पढ़ता है? हंस पब्लिक स्कूल। मोटरसाइकिल से तुमको लेके भाग गया? हाँ। हॉस्टल से ही? कब लेके भागा? परसों। बच्चा कॉन्वेंट में देने रही पढ़ाई के लिए। परसों जो बच्चा उठले कॉन्वेंट से, बच्चा बता रहा था खुदे हमारा परसों 12 बजे उठे लिखा। बच्चा कल मिल रही हमारा बगला वाला रोड में, ये कुमियाई वाला रोड जाए छे बगला से उठले। कते उम्र रहे छे? 7-8 साल। के उठेल के एकरा? सूरज राम चंद्र राम के लड़का। तो मामले में त्रिवेणीगंज में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। परिजनों ने स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। सुपौल में निजी हॉस्टल के छात्र का अपहरण कर लिया गया। ये नकाबपोश अपहरणकर्ताओं ने अपहरण किया है। हालांकि जिस बच्चे का अपहरण किया गया उसने आरोपी की पहचान भी कर ली है। और साथ ही आपको बता दें, ये पीले रंग की टी शर्ट में जो बच्चा आपको नजर आ रहा है, इसी बच्चे का अपहरण किया गया था। और इस बच्चे ने बताया है कि इसने आरोपी को देखा है और वो आरोपी को जानता भी है। फिलहाल स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, क्योंकि हॉस्टल से इस बच्चे का अपहरण कर लिया गया अपराधियों की ओर से। अब आप सोचिए कि हॉस्टल में भी बच्चे सुरक्षित नहीं है, और ऐसे में हॉस्टल और स्कूल प्रबंधक पर कार्रवाई होना लाजमी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया और अपहरण करने के बाद उस बच्चे को खेत में ही छोड़कर आरोपी फरार हो गए।